जो बोले सो निर्भय, परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो कुशाल, भगवान वाल्मीकि अजर अमर त्रिकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे तो इनके फ्लावर कुछ बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मैरी गोल्ड की तरह दिखाई दे रहे थे, पर मुझे कुछ ऐसा लगा कि देखिए यदि इनकी पत्तियाँ मैं पास से देखता हूँ तो इनकी पत्तियाँ तो मुझे कुछ अलग ही तरह की दिखाई दे रही है। तो देखिए इन प्लांट को मैं बहुत आसानी से लेकर आ गया हूँ, आप भी इन्हें बहुत आसानी से ज़रूर लेकर आए। कैरंडोला देखिए एक मैरी गोल्ड की तरह दिखने वाले फूल होते हैं। यदि इस प्लांट को थोड़ा सा आप पास से देखेंगे तो देखिए मुझे और पास से दिखाना होगा और बताना होगा। इनके फूल आप ज़्यादातर देखिए मैरी गोल्ड में ही देख सकते हैं, मैरी गोल्ड की तरह इनके फूलों की पत्तियाँ होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती में खिलते हैं। तो आप इस खूबसूरत कैरंडोला को ज़रूर लेकर आए। कैरंडोला को देखिए बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और ये प्लांट बहुत आसानी से सीड के द्वारा बनने वाले प्लांट होते हैं। इस समय देखिए विंटर का समय चल रहा है, विंटर के समय में ये प्लांट बहुत आसानी से आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएंगे। और इनके पत्ते यदि पास से देखते हो तो देखिए स्पिनिश की तरह, पालक की तरह दिखाई देंगे और बहुत ही ज़्यादा बड़े पत्ते इस प्लांट के होंगे और फूल बहुत ही ज़्यादा पत्तियों में ही होंगे। तो आप इस खूबसूरत कैरंडोला को ज़रूर लेकर आए। देखिए मैं आपके सामने ये बता रहा था कि यदि ये प्लांट थोड़ा आप पास से देखते हो तो फूल तो आपको एक मैरी गोल्ड की तरह दिखाई देंगे और पत्ते इनके स्पिनिश की तरह दिखाई देंगे। तो आप इस खूबसूरत विंटर के समय में बहुत ही ज़्यादा चलने वाले खूबसूरत कैरंडोला को ज़रूर लेकर आए। देखिए यदि ये प्लांट आपको इस समय छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप इन्हें बहुत आसानी से लेकर आ सकते हो। ये प्लांट आपको नर्सरी पर बहुत आसानी से 20 या 25 रुपए के मिल जाएंगे। यदि ये दोनों ही प्लांट 50 रुपए के प्लांट है तो आप इन्हें विंटर के समय में ज़रूर लगाएं। और यदि देखिए मैं थोड़ा और पास से दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि इतने ज़्यादा से ज़्यादा ये खूबसूरत प्लांट है और यदि इन प्लांट को हम अपने घर में लगा भी लेते हैं तो ये प्लांट बहुत आसानी से आप किसी भी आसपास की नर्सरी से ज़रूर लेकर आए और इन्हें लगाए। और इस समय आप देख सकते हैं ये प्लांट छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में लगे हुए हैं और इस समय देखिए इन पर छोटी छोटी फूलों की कलियां बनती जा रही है। पहले वाले प्लांट पर आप देखेंगे तो देखिए कम से कम आपको दो फूल खिले हुए जरूर दिखाई देंगे और तीसरा फूल धीरे धीरे कलियों में बन रहा है और खिल रहा है। और इनकी पत्तियां देखिए चारों तरफ से बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की और पालक की तरह पत्तियां बन चुकी है। तो आप भी इस खूबसूरत कैरंडोला फ्लावर को ज़रूर लेकर आए। कैरंडोला को देखिए यदि हम चाहें तो बहुत आसानी से सीड के द्वारा बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि हम उन्हें बहुत आसानी से सीड के द्वारा बना लेते हैं, जैसे कि कोई विंटर वाले प्लांट होते हैं और समर वाले प्लांट होते हैं। ज़्यादातर तो देखिए इस समय आपको विंटर के समय में बहुत ज़्यादा फूलों की वैरायटियाँ दिखाई देगी। कहीं पर भी यदि ये प्लांट आपको आसपास किसी भी नर्सरी पर दिखता है तो आप इसकी पहचान कर लीजिए, इस प्लांट की बहुत आसानी से पहचान की जा सकती है। इनके फूलों की देखिए मैं ज़्यादातर तो तारीफ़ ही कर पाऊंगा और यही बता पाऊंगा कि ज़्यादातर देखिए इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ के आपको दिखाई देंगे और इस समय आप देख सकते हैं इसके पत्ते पालक की तरह बन चुके हैं। तो आप इस खूबसूरत कुछ मिलते जुलते पत्तियों वाले प्लांट को ज़रूर लेकर आए। यदि ये प्लांट देखिए मैरी गोल्ड की तरह दिखने वाले इनके फूल हैं और देखिए पत्तियाँ इनकी पालक की तरह और स्पिनिश की तरह, तो आप इन्हें बहुत आसानी से किसी भी आसपास की नर्सरी से ले सकते हैं। और कैरंडोला को देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत आसानी से सीड के द्वारा बनाया जा सकता है। और इस समय यदि ये प्लांट आप देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में लगे हुए हैं और बहुत ही आसानी से देखिए इस पर आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे खूबसूरत एक मैरी गोल्ड की तरह फूल भी देख पाएंगे। तो आप इस खूबसूरत कैरंडोला को ज़रूर लेकर आए। कैरंडोला देखिए हमारे विंटर के समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत फूल होता है। तो आप इस प्लांट को देखिए इग्नोर मत कीजिए, इसे ज़रूर लेकर आए। यदि ये प्लांट देखिए छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगे हुए इस समय आप देख सकते हैं इसी समय, तो देखिए इसे आप ज़रूर लेकर आए। और यदि ये प्लांट देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पोट में या किसी बड़े पॉलीथीन बैग में नहीं लगे हुए, छोटे से पॉलीथीन बैग में लगे हुए, तो फिर भी देखिए प्लांट बहुत आपको पत्तियों से और फूलों से खिले हुए नज़र आएंगे। तो ऐसे ऐसे खूबसूरत प्लांट हमें अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। कैरंडोला भी कुछ ऐसा ही प्लांट है, विंटर के समय में देखिए इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर डिमांड होती है। यदि आप देखिए कैरंडोला को अपने घर में बहुत आसानी से लगाना चाहे तो इसे ज़रूर लेकर आए। और देखिए दो कलर में इसे इस समय आप देख पाएंगे, इस समय आप देख सकते हैं कैरंडोला को आप यदि देखेंगे तो ये धीरे धीरे फूलों से बन रहा है और खिल रहा है। मुझे तो देखिए सबसे पहले इसके फूल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यदि हमारे प्लांट के देखिए फूल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़रूर होने चाहिए, चाहे वो छोटी पत्तियों वाले, चाहे वो बड़ी पत्तियों वाले, चाहे वो कुछ बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के, पर देखिए इनके पत्ते भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यदि खूबसूरत होते तो हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों के साथ साथ और पत्तों के साथ बहुत ही आपको बहुत अच्छे से अच्छी तरह से किसी भी पॉट में लगे हुए, हैंगिंग बास्केट में लगे हुए तो खिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही प्लांट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आपको देखिए खिलता हुआ ही नज़र आएगा। और इसके फूल देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती में दो कलर में, देखिए पहले वाला कलर मुझे और बताना होगा और दिखाना होगा। देखिए पहले वाला कलर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर है, बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर में कैरंडोला का फ्लावर खिल चुका है। और देखिए मैं तो आपके सामने एक ही फूल बता रहा हूँ, फिर भी देखिए इस पर तीन फूल बन चुके हैं और पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। और दूसरे वाला देखेंगे तो आप देखिए दूसरे वाला प्लांट भी मुझे दिखाना होगा और बताना होगा। देखिए दूसरे वाला मैरी गोल्ड की तरह इसके आप बिल्कुल
देख लीजिए मैरी गोल्ड की तरह इसके मिलते जुलते फ्लावर आपको नजर आएंगे और पत्ते पालक की तरह नजर आएंगे और एक ही इस पर फूल है, फिर भी देखिए इतना ज़्यादा ये खूबसूरत प्लांट। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि ये छोटे पॉलिथीन बैग में भी लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती में खिले हुए हैं, तो आप भी इस खूबसूरत कैरनडोला को जरूर लेकर आएँ। यदि कैरनडोला को देखिए हम कुछ ऐसे फूलों से मिलता जुलता हुआ प्लांट देख लेते हैं, मान लेते हैं, तो देखिए आप अब इसे ज़रूर लेकर आएँ। और यदि ये प्लांट कुछ ऐसा मिलता जुलता हुआ फूलों से होता है तो देखिए इसकी आप पहचान बहुत आसानी से कर सकते हो। और इस समय देखिए यदि मैं इसकी पत्तियां आपको गिनाने भी जाऊँ तो बहुत आसानी से मैं गिन नहीं पाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें पत्तियां बन चुकी है। और देखिए जितना इस प्लांट में हरे कलर की बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां बन चुकी है, उतने ही इसमें देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल खिल चुके हैं। तो आप इस खूबसूरत कैरनडोला को जरूर लेकर, देखिए कैरनडोला हमारा बहुत ही खूबसूरत विंटर वाला प्लांट जरूर होता है, पर देखिए इसके फूल आप यदि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि थोड़ा पास से देखते हो तो आपको मैरी गोल्ड की तरह दिखाई देंगे, जैसे कि गेंदे के फ्लावर हो। कुछ हमारे देखिए फूल बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पत्ती वाले भी होते हैं, तो कैरनडोला को आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी से इसकी पहचान कर लीजिए। और आपको मैं कुछ ये बातें भी बताऊँगा कि यदि इस प्लांट को आप लेकर भी आ जाते हैं तो इसे देखिए कुछ ऐसे पोट में लगाए जिसे अच्छे से अच्छे बहुत ही खूबसूरती में आप देख पाए। और तो देखिए कभी भी आप कैरनडोला को लेने के लिए जाते, सबसे पहले तो देखिए प्लांट आपको बहुत आसानी से सस्ता ही मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से फूलों से आप इसे खिलावा लेकर आए। आप इसकी पहचान बहुत आसानी से किस तरह कर सकते हैं, यदि आप किसी भी आसपास की नर्सरी पर जाते हैं तो आप देखिए कैरनडोला की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसके फूलों से बहुत आसानी से इसकी पहचान की जा सकती है। इसके फूल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मैरी गोल्ड की तरह एक दिखाई देते हैं। देखिए ज़्यादातर देखिए हमारे कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं कि हम मैरी गोल्ड की तरह बहुत उन फूलों को देख लेते हैं, तो कैरनडोला के फ्लावर भी कुछ ऐसे मिलते जुलते मैरी गोल्ड से होते हैं। तो आप देखिए इस खूबसूरत कैरनडोला को जरूर लेकर आए। और देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि इस समय यदि इस पर छोटे छोटे फूल बन चुके हैं, इनकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन चुकी हैं, तो देखिए कुछ और दिखाना होगा और बताना होगा। देखिए छोटी छोटी देखिए कलियाँ भी इसमें बन रही है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं कैरनडोला में यदि एक फूल खिल रहा है तो छोटी छोटी कलियाँ धीरे धीरे बननी स्टार्ट हो जाती है। देखिए इन प्लांट को यदि आप इस समय देख पा रहे हैं छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में लगे हुए, तो देखिए इनके लिए अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट लेना होगा, अच्छी से अच्छी रेतली मिट्टी लेनी होगी, अच्छी से अच्छी यदि वर्मी कंपोस्ट बना लेता हूँ तो देखिए बहुत आसानी से इनसे बहुत ज़्यादा फूल लिए जा सकते हैं। कैरनडोला से देखिए एक दो तीन नहीं, बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा आप फूल ले सकते हैं, अनगिनत फूल ले सकते हैं। पर देखिए कभी भी आप कैरनडोला फ्लावर को लगाते हैं तो इसके लिए अच्छे से अच्छा पोट ले, अच्छी से अच्छी सड़ी गोबर की खाद ले, आप अपने मनपसंद का देखिए फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय देख सकते हैं यदि इस समय विंटर का समय चल रहा है और ये प्लांट आपके सामने छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल जाएंगे। और देखिए इस समय यदि कैरनडोला को आप देख पा रहे हो तो कैरनडोला की देखिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड इसलिए होती है कि देखिए विंटर के समय में हमारे कुछ फूलों के प्लांट बहुत ज्यादा से ज्यादा ही डिमांड वाले होते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि देखिए हमने बहुत आसानी से किसी हैंगिंग बास्केट में लगा लेते हैं, किसी पॉट में लगा लेते हैं। यदि इस समय आप देखिए इस खूबसूरत कैरनडोला को देख पा रहे होंगे तो देखिए इसे जरूर लेकर आए। और देखिए कैरनडोला की सबसे ज़्यादा तो देखिए खूबसूरती इसलिए होती है कि देखिए इनकी पत्तियां बहुत धीरे धीरे पालक की तरह बनती चली जाती है और फूल पत्तियों के साथ साथ में देखिए छोटी छोटी कलियाँ खिलनी स्टार्ट हो जाती है। आप यदि पास से देखेंगे तो देखिए इसमें छोटी छोटी कलियाँ और फूल ऊपर भी आपको दिखाई देंगे और नीचे भी देखिए छोटी छोटी फूलों की कलियाँ बनती और खिलती दिखाई देगी। तो आप इस खूबसूरत कैरनडोला को जरूर लेकर आए। देखिए इस पर यदि पहले वाले प्लांट पर आप देखेंगे तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि तीन या चार बहुत आसानी से बड़े या कुछ छोटे फूलों की कलियाँ भी और फूल भी खिल चुके हैं पहले वाले, और दूसरे वाला देखिए प्लांट देखेंगे तो आप देखिए बहुत ही आसानी एक फूल और एक छोटी सी कली इसमें बन चुकी है। ये प्लांट फ्रेश प्लांट है, देखिए अभी ताजे प्लांट है, तो आप इन खूबसूरत प्लांट को जरूर लेकर आए। यदि देखिए ये प्लांट कुछ ऐसे प्लांट है सीड के द्वारा बनाया जा सकता है, तो इन प्लांट को आप अपने घर में बचा कर रखें, बहुत आसानी से सीड के द्वारा बना सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट हमें अपने घर में लगाने चाहिए। यदि कैरनडोला देखिए कुछ ऐसा प्लांट है विंटर के समय में आप इससे बहुत ज़्यादा फूल ले लेते हैं और कुछ समय बाद देखिए इसके फूल खत्म हो जाते हैं, तो आप इसे मत फेंके, इसे बचा कर रखें, इससे अगली बार भी आप बहुत आसानी से विंटर का समय आएगा तो बहुत ही आसानी से देखिए इसे सीड के द्वारा बना सकते हैं। हमारे कुछ बहुत ही कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि उन्हें बहुत आसानी से सीड के द्वारा बहुत आसानी से बना लेते हैं। आप देखिए कभी भी कैरनडोला को अपने घर में लगाते हैं तो कैरनडोला को बचा कर रखें और कैरनडोला की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही देखिए यदि विंटर के समय में डिमांड होती है तो उनके फूलों को आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। आप अपने घर में बहुत आसानी से कैरनडोला से बहुत ज़्यादा फ्लावर बना, इन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फ्लावर तौर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ देख पाए। तो देखिए खूबसूरती प्लांट की कब होती है, किस तौर पर होती है, देखिए प्लांट यदि हमारा कुछ ऐसा प्लांट होता है कि हमें पहली बार उस प्लांट को लगाने का चांस मिल रहा है तो आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए, अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखिए। यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस समय ये कैरनडोला के प्लांट मैं आप सभी के सामने शेयर कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, देखिए यदि इस समय ये कैरनडोला के प्लांट मैं लेकर आ गया और मेरे पास ये दो ही प्लांट है, देखिए यदि ये दो ही प्लांट मैं बहुत आसानी से बचा कर रखूँगा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके सामने प्लांट इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, यदि मैं इन प्लांट से बहुत ज़्यादा फूल ले लेता हूँ तो देखिए अगली बार
इस समय देखिए यदि ये प्लांट आपको छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में दो प्लांट दिखाई दे रहे हैं तो देखिए मैं इन्हीं प्लांट से बहुत आसानी से अगली बार विंटर के समय में कम से कम 50 प्लांट बना सकता हूँ। देखिए हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ही प्लांट होते हैं और बहुत आसानी से हम उनसे प्लांट बना सकते हैं। किस तरह से देखिए कुछ ऐसी बातें होती है कि हमें कुछ जान लेनी चाहिए और प्लांट बहुत आसानी से हम इन प्लांट से बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगा यदि ये कैरंडोला के प्लांट सीड के द्वारा बनने वाले प्लांट होते हैं तो हम इन्हें बहुत आसानी से बहुत ईजी से बहुत ज़्यादा ही प्लांटों में बना सकते और बहुत ज़्यादा इनसे फूल ले सकते हैं। तो देखिए कैरंडोला को यदि मैं आपके सामने शेयर कर पा रहा हूँ ये बता पा रहा हूँ कि यदि इससे बहुत ज़्यादा प्लांट बनाए जा सकते हैं तो आप इससे बहुत आसानी से बहुत सारे प्लांट ले सकते हैं। और यदि इस समय देखिए ये दो ही प्लांट है और दो ही खूबसूरत यदि ये पॉलिथीन बैग में लगे हुए प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुझे कुछ और दिखाना होगा और बताना होगा यदि इस समय इसकी मिट्टी देखेंगे तो आप देखिए मिट्टी कुछ ज़्यादा चिकनी होगी और मुझे देखिए इसकी मिट्टी कुछ अलग बदलनी होगी अलग लेनी होगी। यदि देखिए जिस समय में इन्हें अभी तो पोट में लगा नहीं पाऊंगा कुछ समय बाद देखिए मुझे ये प्लांट कुछ पोट में लगाने होंगे अच्छे पोट में लगाने होंगे उनके लिए अच्छी से वर्मी कंपोस्ट लेना होगा तो आप भी इस खूबसूरत कैरंडोला को बचा कर रखें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इससे फूलें। हमारे देखिए कुछ ऐसे कैरंडोला के फ्लावर होते हैं कि हम उन्हें बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीड के द्वारा बना लेते हैं तो ये प्लांट भी कुछ ऐसा ही प्लांट है इसे आप सीड के द्वारा जरूर बनाए। देखिए कुछ कैरंडोला के फ्लावर हमारे बहुत ही आसानी से देखिए आप पास से इन्हें देखेंगे तो कुछ अलग तरह के होते हैं और ये कुछ अलग तरह के दिखाई देंगे। यदि इनके फ्लावर आप देखेंगे देखिए डबल पेटल वाले फूल होंगे डबल साइज के फूल होंगे और बहुत ही छोटी हाइट वाले फूल होंगे और बहुत ही छोटे छोटे प्लांट होंगे। तो यदि देखिए कुछ कैरंडोला को आप बहुत आसानी से सीड के द्वारा बनाना चाहिए तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इस खूबसूरत कैरंडोला को जरूर लगाए।